आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। एमडीएफ जो अपनी संस्था है भिवंडी में, बहुत महीनों से राउंड बेस पे अच्छा काम कर रही है और उनके माध्यम से आज जो मुझे यहाँ पे समर्थन दिया गया है, सबसे पहले तो सभी उनके सभी मेंबर है, हमारे मोहम्मद भाई है और सभी मेंबर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज यहाँ पे मेरे ऊपर विश्वास जता के जो मुझे समर्थन दिया है, उसके लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी तंजीमों के मौलाना यहाँ पर है, उन्होंने अपने स्तर से अपनी अपनी मस्जिदों में अपने अपने मन से वहाँ के लोगों को ये आह्वान किया था कि इस बार इंडिया अलायंस को बुलाना है, लेकिन इस तरह से एक मंच पर यहाँ पर बुलाकर मीडिया के सामने आकर के इस चुनाव को मुसलमान का रूप देने की कोशिश की जा रही है। देखो, आज का ये जो इलेक्शन है, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये हिंदुस्तान का इलेक्शन। अपने को अपने आने वाले कल की पीढ़ी को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आप देख रहे हो आज बीजेपी के दो दो खासदार खुलेआम मंच से बोल रहे हैं कि आपकी बार 400 पार इसके लिए कि हमको संविधान बदलना है। जबकि जब संविधान बदलने की बात हो जाती है तो लोकतंत्र कहाँ से रहेगा, लोकशाही कहाँ से रहेगी, बताओ। तो ये हमको सबको मिलके आज सभी कौम की, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, आज बौद्ध समाज है, हम लोग खुद हिंदू में ओबीसी समाज है, आज सब समाज एक हुए हैं। क्योंकि आप हर जगह हर चौराहे पे आप कहीं भी जाओ, आप सब ये जो आज का पॉलिटिक्स है आप देख रहे हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि देश बचाने के लिए हमको सबको एक होना पड़ रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं पे कुछ भी नहीं है, यही तो अपने देश की शान है ना कि हम लोग इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, यही तो हमारी सभ्यता भी है, ये हमको कायम रखना है। हमारा बार बार यहाँ पे सवाल उठाया गया है कि जीतने के बाद जो उम्मीदवार है, जो जीतने के बाद दूसरी पार्टियों में प्रवेश करते हैं, ऐसा आपके आपके ऊपर भी सवाल उठाया गया, क्या कहेंगे? वो आप, मैंने बोला ना, 5 साल में आप देखोगे ना, आप 5 साल में देखो ना। मैं अलग पॉलिटिशियन हूँ, मैंने कभी किसी सत्ताधारी पार्टी में प्रवेश नहीं किया। आप कभी ऐसा रहेगा तो मेरे लाइफ में बताओ। बहुत अच्छा, ग्रामीण में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप ग्रामीण में भी जाके देखो, इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि आज की तारीख में सभी लोग कपिल पाटिल भाजपा से नाराज हैं। जो भी महंगाई का मैटर हो, जो भी आप देखो ना, सब बात में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अभी हिंदू मुस्लिम करके ये सरकार लाना चाहती। अगर 10 साल मिलने के बाद भी आज कांग्रेस को आप गाली दे रहे हो, कांग्रेस को चोर बोल रहे हो। मैं अभी समझो आपके सामने खड़ा हूँ, अभी मैं एक खासदार जीत के आया, तो 5 साल के बाद मैं पिछले खासदार को गाली दूँ तो ये मेरी योग्यता नहीं है। 5 साल के बाद मैंने क्या किया ये मेरे को बताना है आपको। मैंने डेवलपमेंट क्या किया, मैंने यहाँ भिवंडी का काम क्या किया, शाहपुर में क्या किया, मुरबार में क्या, ये मेरे को बताना है। मेरे को 5 साल के बाद भी कपिल पटेल की और या बीजेपी की ओर टिका नहीं कर दिया, तो बीजेपी ऐसा कोई भी बात, फिर खासदार रहे, खासदार से लेकर प्राइम मिनिस्टर, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई काम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। और कोई पत्रकार लोग, मेरी जब मुरबार में मीटिंग थी, मेरी शाहपुर में मीटिंग थी, मैंने सब पत्रकार लोगों को बोला कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप क्यों ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो, आप जो सत्ता में बैठते हैं उनको ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो आज की तारीख में कोई मीडिया भी उनको सवाल नहीं करता। वो तो आपने देखा 10 साल में मोदी साहब ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, अभी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, वो भी एक चैनल को सिर्फ मतलब मुलाकात। सबसे बड़ी समस्या है और सत्ता पक्ष कभी आवाज नहीं, आप अगर
जीत के आते हैं तो शहर वासियों को क्या जरूरत है? आप सब मेरे साथ रहो, देखो सत्ता आई तो कुछ भी बड़ी बात नहीं, सत्ता नहीं आई तो अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जो चले को संघर्ष में होता, अभी टोरंटो की ये समिति बनी थी ना, वो समिति मेरे पास भी आई थी, मैंने उनको क्या बोला, बोले आप 50,000 लाख लोग का मोर्चा निकालते तो इसमें एक काम ये भी करो, आज समझो टीम में 1 लाख कस्टमर ऐसा पकड़ के तो 1 लाख में से 95,000 कस्टमर आपको साइन देंगे। आप बताओ ना, कोर्ट में, हाईकोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां से भी चलो ना कि हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरा ऑप्शन है, एमएससीबी का ऑप्शन है, हमको टाटा का ऑप्शन है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे तरीके से आप जाओगे तो आप देख रहे हो या कुछ न्याय नहीं मिलने वाला। मामा, जिस तरह से आप बोल रहे हो कि लेकिन टोरंटो के शहर में बहुत से एजेंसी के बड़े बड़े लीडर भी शामिल है, तो उस पर अगर आपका दबाव आया उसी वक्त का तो आप क्या करेंगे? मैं 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, एकदम क्लियर बोल रहा हूं, मैं टोरंटो को अगर नहीं हटाया तो मैं 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। 2027 में उसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, 2027 में, बस उससे पहले आपने वो तैयारी करना है, अपने को सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है, तैयारी करना है, आंदोलन करना है, संघर्ष करना है सबको, और इस संघर्ष में शहर जितना है ना उतना ग्रामीण भी रहेगा। क्योंकि टोरंटो का आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि 10 साल हो गए, 10 साल की राजनीति आपने देखी, सिर्फ और सिर्फ धर्म के मन से आज एमडीएफ के मंच पे आप बैठे, आपका सरकार हुआ एमडीएफ के मंच से आप भिवंडी की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे इस इलेक्शन लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं देखो, एमडीएफ के मंच से मेरे को एक बात अच्छी लगी, मैं सबको तो अच्छी तरह से नहीं पहचानता हूँ, और मोहम्मद भाई ने मेरे को बताया कि सभी लोग जो है सोशल वर्क करते, एनजीओ चलाते, कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। जब कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं तो उनका कुछ स्वार्थ भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के लिए काम कर रहे हैं, भिवंडी बचाने के लिए, भिवंडी डेवलप के लिए काम कर रहा है। जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें हैं लोगों की आपके जीतने के बाद, जीतने के बाद आप उनके लिए करेंगे, तो लोगों का ये भी कहना है कि जीतने के बाद बाल्या मामा कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपस में कभी हिंदू मुसलमान कभी नहीं हो, तो देखो मैंने पहले भी नहीं किया, अभी ऐसा कभी।